गर्मियाँ जब आती हैं आपको झुलसा देती हैं, थका देती हैं, और गर्मी से बचने के लिए काफ़ी उपाय हैं जो नेचुरल हैं, और एक ऐसा ही मैजिक इंग्रेडिएंट है, सुपर फूड है, जिसका नाम है सत्तू। सत्तू बेसिकली एक फ्लावर है, एक तरीके का आटा है जो बनता है रोस्टेड चना से। ये जो है ये है हमारा काला चना। इसे जब हम भूनते हैं और ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये है हमारा रोस्टेड चना छिलके के साथ, और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, नमकीन की तरह आप खा सकते हैं। जब आप इसी चने को पीसते हैं तो आपको मिलता है ये चने का आटा या फिर सत्तू। अब अगर आप चाहें तो जौ जो होती है उसे भी इसी तरीके से भून कर उसको पीस सकते हैं। उसका जब आटा बन जाता है उसे कहते हैं जौ का सत्तू। तो मार्केट में जब आप जाएंगे आपको चना सत्तू भी मिल सकता है, या अगर आप चाहें तो जौ का भी ले सकते हैं, या फिर इनका मिक्स भी आता है जहाँ पर चना और जौ दोनों मिक्स होकर मिलते हैं। आपको कंज्यूम करने के अलग अलग तरीके, या तो सत्तू को आप पानी में घोलकर पी सकते हैं विच आई विल जस्ट शो, या फिर आप उसकी लिट्टी भी बना सकते हैं, या फिर आप उसको पराठे में भी स्टफ कर उसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो बेक भी कर सकते हैं उसके साथ। ये जो सत्तू है हमारा, इसको मैं क्विकली बनाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक है स्वीट, दूसरा है सेवरी। ये सत्तू पाउडर, ये रोस्टेड चना सत्तू है। स्वीट के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मच शक्कर, और सॉल्टेड के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ा भुना हुआ जीरा, कुछ मिंट की पत्तियां तोड़कर। अब इसके अंदर थोड़ा नींबू, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, अगेन नींबू ऑप्शनल है। और अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी, जस्ट गिव इट अ नाइस स्टर। ये मीठा और ये नमकीन। तो गर्मी से अगर बचना है तो सत्तू जिंदाबाद। मीठा, नमकीन,